देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाणा जेजेपी नेता व इनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने एक सुर में कहा कि वो किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के इस बंद में उनका बस इतना कहना है कि कोई असामाजिक तत्व इस कार्यक्रम में बाधा न डाले। उन्होंने कहा कि आज के समय ऐसा कोई नहीं है जो किसानों की बात का समर्थन ना करता हो। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि किसानों के संबंध में पॉइंट वाइज विचार किया जा रहा है और इसका हल भी 9 तारीख तक निकल आएगा। वहीं दिग्विजय चौटाला ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के आड़ में कांग्रेस हुड्डा, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपना दांव खेलने में लगे हैं कि कैसे वो मुख्यमंत्री बन जाए। साथ ही दिग्विजय ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में जेजेपी कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। पर डिसिप्लिनरी एक्शन तब लेना पड़ता है जब कोई असामाजिक तत्व उसमें भीड़ में घुस के उसका वो बिगाड़ते हैं, स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं। मगर क्योंकि ये किसानों का प्रोटेस्ट है और किसान जो दिल्ली में एजिटेट कर रहे हैं उनने भारत बंद की कॉल की है, तो इसमें सब लोग जो अपनी भूमिका निभाएंगे किसी तरह की उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को यानी परसों जब दोबारा मीटिंग होगी तो इस बात का हल हम सबके सामने होगा। तो नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भूपेंद्र हुड्डा खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो इस बात के सपने सजो रहे हैं कि इस किसान आंदोलन के उस हेर फेर में तेरा दाव लग जाए। सुरजेवाला ये सोचते हुए तेरा दाव लग जाए, शैलजा जी सोच रहे हैं कि मेरा दाव लग जाए। तो इसलिए ये कांग्रेसियों की राजनीति किसान आंदोलन से अलग है, इसको इसके साथ जोड़ के ना देखा जाए और ना ही हम कांग्रेस का साथ देंगे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी मैं कह रहा हूं। ये जो खाप है हमारा, जो कल्चरल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, हम इसके उस पर कैसे कमेंट कर सकते हैं? हम तो इसके आगे शीर्ष झुकाते हैं। उनका जो फैसला होता है उस पर कोई इफ दैट बट नहीं होती। खाप सर्वोपरि होती है, खाप हमारी सामाजिक सिस्टम का उसका एक जुडिशियल वो है, रूप है। अगर हम उनके बच्चे हैं, अगर कोई भी फैसला हरियाणा की कोई इस तरह की वो सुनाती है, हम उसको सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। वो हमारे से अपना ही नाराज होगा ना, पराया क्यों नाराज होगा? कोई बात को लेकर के है, हम उसको क्लेरिफाई करेंगे। अगर खापे हमें कोई बुलाएंगी, हमारे से बैठ के बातचीत करेंगी। दिग्विजय बोले कि उनको भरोसा है कि 9 तारीख तक इसका हल निकल जाएगा और सभी विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि तोड़ने का सपना कांग्रेस का कामयाब नहीं होने वाला है। वहीं दिग्विजय ने खापों के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि खापों का सम्मान हमारे यहाँ न्यायिक ढांचे के समान है और उनका हर आदेश हमारे सर माथे पे है। उन्होंने कहा कि अगर खापों की ओर से कोई आदेश या बुलावा आएगा तो हम जरूर शामिल होंगे। दिग्विजय ने यह भी कहा कि खाप हमारा पक्ष भी तो सुनेगा। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।